सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू फन गेमिंग में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कॉइन मास्टर से इंस्टेंट लॉन्च जैसे काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी में वीडियो को एडिट कर सकते हैं और कैसे आप मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस सर, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर गाइस आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस सर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सर, काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो प्लस का साइन दिख रहा है भाई, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद आप मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे आप जो भी फाइल मतलब एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस सर, मैंने एक फाइल को सिलेक्ट यहाँ से कर ली है। तो गाइस सर, सबसे पहला जो काम होता है भाई कि जो वीडियो होती है भाई, उसमें कलर फिल्टर डालें या फिर भाई जो ब्राइटनेस सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट रहता है उसको भाई मतलब कितना आपको रखना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वीडियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस सर, अगर आपको मैं एक कलर फिल्टर बता रहा हूँ, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो वीडियो की क्वालिटी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपको वो कलर फिल्टर अच्छा लगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस सर, सबसे पहले हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड में कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ पर भाई एक कलर फिल्टर का ऑप्शन है भाई, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो बेसिक एक कलर फिल्टर है भाई, तो उसको हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक B09 करके एक फ़िल्टर है भाई, इसको हम यूज करके देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, ये फ़िल्टर डालने के बाद काफ़ी मतलब वीडियो अच्छी हो जाती है। आप इस फिल्टर का यूज कर सकते हो, लेकिन भाई हम आपको इस वीडियो में इंस्टेंट लॉन्च जैसी क्वालिटी की वीडियो बनाना सिखा रहा है, इसलिए मैं भाई इस वीडियो में कलर फिल्टर का यूज नहीं करूँगा। तो कई सारे इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा। अगर आपने यार इस वीडियो को देख लिया तो आप बिल्कुल ही सीख जाओगे कि कैसे पबजी लाइट की वीडियो को एडिट करना मतलब एडिट कर सकते हो और कैसे करना है। तो कई सर, मैं बता दूँ आपको, फिर से वीडियो पर क्लिक करना, जो आपने फिल्टर लगाया भाई उसको अभी तो मैं हटा रहा हूँ। तो गाइस सर, फिर से हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट पे जाने के बाद जो आपकी ब्राइटनेस दिख रही भाई, इसको हम 60 रख देंगे और इस जो कॉन्ट्रास्ट है भाई, इसको हमको 80 रखना है। जब आप इसको 80 रख देंगे और सैचुरेशन को कम से कम 25 या 30 कर देंगे, तो कई सर जो क्वालिटी होगी आपकी वीडियो की भाई, वो अचानक से ऐसे चेंज हो जाएगी और भाई HD जैसी वीडियो लगने लगी। आप देखो भाई कितना ज़्यादा चेंज इस फिल्टर और सॉरी मतलब एडजस्टमेंट के बाद आया है। और कई सर मतलब कितने में इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना भाई, वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो भाई यार वीडियो को इसके बिल्कुल मत करो। तो कई सर देखो, अगर हमने तो यार एडजस्टमेंट अभी कर लिया है, तो गाइस सर अब आप बारी आई भाई की वीडियो को कट करने की। तो गाइस सर, कट कैसे करते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कैची का निशान आ गया भाई, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको आगे से वीडियो कट करनी तो ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, गाइस सर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आगे की जो वीडियो रहती है भाई, आगे का जो वीडियो का पार्ट है भाई, उसको यहाँ से हम ट्रिम कर सकते हैं। तो गाइस सर, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो यार वो वीडियो का जो पार्ट है भाई वो ऑलरेडी वहाँ से हट चुका है। सॉरी ऑलरेडी बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो क्लिक करने के बाद हट चुका है। तो गाइस सर, अब आप देख सकते हैं आपको जितनी भी वीडियो रखनी है वहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो गाइस सर, मैं यहाँ पे उतरता हूँ, तो यार यहाँ पे मेरी जो लूट रहती है इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो मैं वीडियो पे फिर से क्लिक करूँगा भाई, उस कैंची पे जाऊँगा, उसके बाद स्प्लिट एट प्ले हेड यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यार हम इस वीडियो को बीच से कट कर सकते हैं। अगर भाई आप वीडियो बनाते हो पबजी लाइट की, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, इसलिए भाई मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। तो गाइस सर, फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वीडियो कट गई है। जितनी भी वीडियो आपको मतलब यहाँ से हटानी है, आप फिर से वीडियो पे क्लिक करेंगे, कैची पे जाएंगे, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड जो ऊपर का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देंगे, वहाँ की वीडियो आपकी चली जाएगी। उसके बाद गाइस सर, जो प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा भाई, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे भाई मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, 3D का ट्रांजिशन इफेक्ट डाल के दिखा रहा हूँ भाई, जैसे ये मैंने डाल दिया। इसके बाद देखिए भाई यार, जो आपकी वीडियो होती है भाई काफ़ी मतलब प्रोफेशनल टाइप की बन जाती है। अब देखो भाई, जैसे ही आपका जो सीन चेंज होता है भाई पबजी लाइट के, जैसे आप प्लेस चेंज करते हो तो आप यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हो।
तो भाई सर ये सब तो हो चुका है, अब नेक्स्ट पॉइंट भाई वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो यार मतलब आपको वॉइस ओवर करना तो यार यहाँ से कर सकते, स्पीड वीडियो की स्पीड यार सब कुछ दिया है, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि आप वीडियो को एडिट करते हो। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या मैन यहाँ पे करना है। एक जो वॉइस का ऑप्शन है भाई, यहाँ से आप वॉइस ओवर कर सकते हो, आपको पता है। एक ऑप्शन आपको यार ऑडियो को दिख रहा होगा, यहाँ से आप बैकग्राउंड में म्यूजिक गाना जो भी आपको डालना है भाई यहाँ से आप डाल सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और ऑप्शन भाई लेयर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे मीडिया इफेक्ट ओवरले टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। तो भाई सर ये पांच ऑप्शन जो दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए। अगर आप यहाँ से मीडिया से कोई भी फाइल यहाँ पे अंदर डालोगे तो जो आपकी जो वीडियो है भाई उसके ऊपर से वो वीडियो आ जाएगी और इफेक्ट भी आप डाल सकते हो। तो भाई सर टेक्स्ट में भी आप यहाँ से लिख सकते हो भाई, जैसे यार प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो ऐसा कुछ भी यार आप लिख सकते हो। और यहाँ से भाई आपको मतलब जो भी भाई फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, और यहाँ से आप कलर अलर भी डाल सकते हो। तो भाई बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये सब ऑप्शन बहुत मतलब ईजी होते तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद गई सर मैं बता दूँ जो हैंड राइटिंग है भाई ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को यार आपको बताना है, जैसे भाई जो मेरा फायरिंग करने की बुलेट है यहाँ पे कुछ निशान लगाना है तो आप यहाँ से इन आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्क्वायर में आपको निशान लगाना तो ऐसे करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये भी मतलब अगर आपको वीडियो एडिट करना है या फिर कुछ भी मतलब ऐसी वीडियो जो कि भाई आप मतलब ऑप्शन पे आप हाईलाइट करना चाहते हो तो ये काफ़ी जाता है वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। गाइस सर आप देख रहे हैं मैं काफ़ी ज़्यादा अटक जाता हूँ बीच बीच में, तो यार भाई सॉरी। और गाइस सर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइस होगा तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार भाई ये डायरेक्ट मैंने वीडियो को लाइव मतलब बनाई है इसलिए ज़्यादा इसमें नॉइस है, और मैंने नॉइस ज़्यादा अलग नहीं किया। मैं समझता हूँ भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी यार, अगर आप पबजी लाइट की वीडियो बनाना चाहते हो तो। यार आप भी मेरी चैनल में जाके कुछ वीडियो देख सकते हैं जो मैं भी एडिटिंग करके डालता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी मतलब दिक्कत हो यार आप मुझसे पूछ सकते हो। और गाइस यार मैं यही बोलूँगा यार अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और गाइस मैं बता दूँ यार कुछ इसमें इफेक्ट है आपको मतलब यार ये तो यार साफ साफ दिख रहा है भाई क्या आपको करना है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो गाइस यार आपको कितनी वीडियो बनानी भाई यहाँ से आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी आपको बीच में से ट्रिम करनी है, क्या करना है भाई मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। तो गाइस सर मैं अब वीडियो को यहाँ पे एंड करने वाला हूँ, लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपको जो फाइल है भाई कितनी MB पे एक्सपोर्ट करना है भाई, जो आपकी बिटरेट है वो कितना रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई वीडियो एडिटिंग करने के बाद। और तो गाइस सर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो गाइस सर जो राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है भाई यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे स्टार्ट का इंटरफेस आ जाएगा, आपको 1080p की वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। फ्रेम रेट आप 30 भी रख सकते हो, 50 कुछ भी रख लो भाई, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे आप 60 भी रख सकते हो। यहाँ पे बिट रेट आप 10 रख सकते हो, 10 में काफ़ी बेटर मतलब आपको जो रिजल्ट है भाई वो मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे तो जो आपकी वीडियो भाई वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस सर अभी तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि यार मुझे एक्सपोर्ट एक वीडियो नहीं करनी है। तो गाइस सर आज की वीडियो भाई यहीं तक है, तो प्लीज़ सर मैं होप करता हूँ आपको यार काफ़ी ज़्यादा मतलब यार जो भी मतलब आपको इस वीडियो से चाहिए वो मिल गया होगा। तो गाइस सर वीडियो में यहीं एंड करते हैं यार, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट करके बताओ आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही। तो गाइस सर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।